हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो चैप्टर चल रहा था उसी चैप्टर में आगे और पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ चुके थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था, यानी प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज हमें क्या पढ़ना है, आज का हमारा जो टॉपिक है वह फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एंडोस्पर्म क्या होती है, यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होती है, यही तीन चीज़ आज हमको केवल पढ़ना है। इसमें पहला टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन होता क्या है। भाई अगर कोई पूछ लिया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो हम कैसे बताएंगे उसको, बताने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे कि सामने वाले को अच्छे समझ में आ जाए कि फर्टिलाइजेशन यही पूरी प्रोसेस होती है। तो उसमें फर्टिलाइजेशन की जो सिंपल डिफिनेशन होती है वो ये होती है कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, यानी जब मेल गैमेट यानी नर युग्मक और फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक आपस में मेल करते हैं, आपस में मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन, वही निषेचन कहलाता है, वही पूरी प्रोसेस निषेचन कहलाती है, यानी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। फिर सुनिए, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, यानी जो फ्यूजन होता है मेल का और फीमेल के गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई स्ट्रेस वर्गर, यानी ये सर्वप्रथम जब भाई हर चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ हो रही तो उसको सबसे पहले कोई ना कोई देखा होगा, उसके बाद फिर कई लोग देखे होंगे, इस चीज़ को जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है इसका सर्वप्रथम जो आविष्कार किया था किसने किया था, स्ट्रेस वर्गर ने। स्ट्रेस वर्गर जो क्या है, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था, फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। ओके, इस पूरे प्रोसेस फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, होता ये है कि मेल गैमेट यानी जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एंथर से निकलते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टामेन जो पूरा उनका होल पार्ट होता है मेल पार्ट, उसमें एक पार्ट एंथर होता है, उस पार्ट से पॉलन ग्रेन निकलते हैं। उस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स भरे हुए होते हैं, उस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या भरे हुए होते हैं, मेल गैमेट, और उन्हीं मेल गैमेट को कहाँ पे जाके मिलना होता है, भाई स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के पास जब वो आएंगे तो स्टिग्मा ही तो उनको अंदर की तरफ लेके जाएगी, पॉलन ग्रेन या फीमेल मेल गैमेट को हमेशा स्टिग्मा ही लेके जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप चला जाएगा, पहले स्टिग्मा पे आएगा फिर स्टिग्मा से स्टाइल के पास जाएगा, स्टाइल से होता हुआ तब ओवरी के पास जाके पहुंचेगा और वहाँ पे जो फीमेल गैमेट होगा उससे जाके फ्यूजन करेगा, इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देखिए इस फिगर में कि जो एंथर है उससे पॉलन ग्रेन निकलता है, एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है, उसके अंदर क्या है, ये जो एक ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है वो है उसका मेल गैमेट, जो ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है क्या है, मेल गैमेट, वो जाके स्टिग्मा पे जब जाके पॉलन ग्रेन गिरता है या रखा जाता है या फिर पड़ता है उस पे, तो वहाँ से जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हट जाती है और केवल गैमेट जो होता है वही गैमेट बचता है, और वहीं से जो पॉलन ग्रेन की जो एकदम आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना शुरू करती है। पॉलन ट्यूब का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए क्या है, एक हमारा पॉलन ग्रेन है, इधर देखिए ये पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन में क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने, यानी ये नली जैसी संरचना का फॉर्मेशन होने लगेगा, इसी संरचना से होते हुए जो हमारा मेल गैमेट होगा वो जाके आगे की तरफ बढ़ना शुरू करे, जो कि हमें ये यहाँ पे फिगर में दिखाई गई, ये जो एक नली दिखाई दे रही, देखो ये जाके कहाँ पे जा रही है, मिल रही ओव्यूल में जा रही है, यही पूरी क्या होती है, पूरा ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक चीज और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या एंथर से केवल एक ही पॉलन ग्रेन निकलता है, नहीं, एंथर से बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, एंथर से एक बार में काफ़ी पॉलन ग्रेन यानी 3 or more than 3 or 5 more than कितने भी निकलेंगे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि आधी दूर जाने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, स्टाइल के पास पहुंचने के बाद डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन उसमें से केवल एक ही ऐसा होता है गैमेट, जो एक ही ऐसी पॉलन ट्यूब होती है जो कि जाके सीधा ओवरी तक पहुंचती है, ठीक, और उस ओवरी पे पहुंचने के बाद क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो उसी पॉलन ट्यूब से होता हुआ जाके कहाँ पे मिलता है, फीमेल गैमेट से, और जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिले उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इसके फलस्वरूप क्या बनता है, इसके फलस्वरूप हमेशा जायगोट बनता है,
इसके फलस्वरूप क्या बनती है, जाइगोट बनती, जो कि क्या होती, किसी भी जीव की सबसे पहली जो कोशिका होती है उसी को जाइगोट कहते हैं। चाहे जो भी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो काऊ हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, हर जितने भी जीवित वस्तु हैं उनकी जो सर्वप्रथम कोशिका बनती है उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ZYGOTE। ठीक, इस जाइगोट का जब निर्माण होता है, यही जाइगोट क्या करता है, आगे चल के डेवलप करता है, डेवलप करके फिर से उसी में फूड का उसी से सीड का फॉर्मेशन होगा प्लांटों में, और एनिमल्स में क्या होगा, उसी से सारे ऑर्गन्स बनेंगे और जाके फिर एक नया प्लांट, एक नया एनिमल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसी के जरिए सीड बनेगी, इस जाइगोट के जरिए ही सीड बनेगी, और जब सीड बनेगी तभी क्या होगा, सीड बनने के बाद ही हम किसी अन्य प्लांट को जर्मिनेट करा सकते हैं, उससे पहले नहीं करा सकते। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके आगे फिर बताते हैं डबल फर्टिलाइजेशन बारे। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, यानी जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होता है। डबल फर्टिलाइजेशन, भाई सीधी सी बात है, नाम से ही कुछ जाहिर हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल मतलब दो, और फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें क्या होगा, दो बार फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें होगा कितनी बार फर्टिलाइजेशन, दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डबल फर्टिलाइजेशन पड़ा। बात समझ में आई, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों पड़ा नाम, क्योंकि इसमें दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट दो होंगे और दो मेल गैमेट जाके अलग अलग जगह पे फर्टिलाइजेशन करेंगे, इसी पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय नवाज चिन, यानी ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, ये किसने डिस्कवर किया था, नवाज चिन ने। किसने डिस्कवर किया था, नवाज चिन ने किया था। इसमें होता क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट ब्रॉड बाय अ पॉलन ट्यूब, यानी डबल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होता है दो मेल गैमेटों का, जो कि किसके द्वारा, पॉलन ट्यूब के द्वारा। डिफरेंट सेल ऑफ द डिफरेंट सेम फीमेल गैमेटोफाइट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। और क्या होता है कि पॉलन ट्यूब से जब फ्यूजन होता है तो दो पॉलन ट्यूब होंगी, उसके साथ साथ डिफरेंट सेल ऑफ द सेम फीमेल गैमेटोफाइट, यानी एक ही फीमेल गैमेटोफाइट में अलग अलग सेल से जा करके जब फ्यूजन होगा, किसका, मेल गैमेट्स का, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, और उसके बाद क्रमशः क्या करेंगे, वो दोनों मिल करके एक अलग से, एक दूसरा कोई एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एक अलग से दूसरा स्ट्रक्चर, एक अलग से दूसरी संरचना तैयार करेंगे, उसी पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यानी डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स ब्रॉट बाय अ पॉलन ट्यूब डिफरेंट सेल ऑफ द सेम फीमेल गैमेटोफाइट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। यानी ये पूरी जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में दो मेल गैमेट्स होंगे और वो दोनों आपस में जाकर के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हुए दोनों मेल गैमेट जाके फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचेंगे, और वहां पे फीमेल गैमेटोफाइट में दो अलग अलग स्ट्रक्चर से जाके ये फ्यूजन करेंगे। उसके बाद उसके फलस्वरूप दो अलग अलग तरीके के जो भी स्ट्रक्चर तैयार होंगे, इसी पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आगे इट इज कंप्लीटेड बाय टू प्रोसेस, यानी ये जो पूरी प्रोसेस होती है कंप्लीट होती है दो प्रक्रियाओं के द्वारा, या फिर दो स्टेज के द्वारा कंप्लीट होती है। ठीक, प्रोसेस और स्टेज, जिसमें से पहला स्टेज हमारा क्या होता है, सिनगैमी। पहली जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द एग सेल इज कंबाइंड विद मेल गैमेट्स एंड मेक अ जाइगोट। जब एग सेल, जो एंडोस्पर्म था हमारा, उसमें से जो एम्ब्रियो सैक था हमारा, उसमें से जब एग सेल से जाकर के कोई मेल गैमेट फ्यूजन करेगा, उस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। जब एंडोस्पर्म एम्ब्रियो सैक के एग सेल से जाकर के कोई भी मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करता है, कोई भी मेल गैमेट फ्यूजन करता है, उस प्रोसेस को सिनगैमी कहेंगे। आगे इसके फलस्वरूप
जब उन दोनों का फ्यूजन होगा तो उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा, जाइगोट मिलेगा। ये क्या कहलाएगा, हमेशा सिनगैमी याद रखना, ये ट्रू फर्टिलाइजेशन यानी सत्य फर्टिलाइजेशन इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज आल्सो कॉल्ड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, इसको हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसको सिनगैमी को। अगली चीज ट्रिपल फ्यूजन, यानी एक ऐसा फ्यूजन जिसमें तीन फ्यूजन होगा, तीन चीज आपस में मिलेंगी, उस समय वो जो फर्टिलाइजेशन होगा उस फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन कहा जाएगा। यानी उसमें जब हम यन की संख्या देखेंगे तो कितनी होगी, 3 यन होगी, लेकिन सिनगैमी में 2 यन होगी। क्यों 2 यन होगी, क्योंकि एक एक सेल का यन हो गया और एक मेल गैमिट का यन हो गया, यानी कुल मिला के 2 यन हुआ। लेकिन ट्रिपल फ्यूजन नाम से ही तीन फ्यूजन, तीन बार फ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब तीन यन यन मिलकर मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा, 3 यन बनेगा। बात समझ में आई इतनी, तो अब बात आगे यहां पहुंची कि ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ठीक। द टू पोलर न्यूक्लियस गेट फ्यूज्ड, यानी जो दो ठो पोलर न्यूक्लियाई हमने आपको एम्ब्रियो सैक में दिखाया था कि दो पोलर न्यूक्लियाई बीचों बीच सेंटर में होती हैं, वो दोनों पोलर न्यूक्लियाई सबसे पहले आपस में फ्यूज होती हैं, आपस में मिलती हैं एंड मेक सेकेंडरी न्यूक्लियस, और वो मिल करके क्या बनाती हैं, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती हैं। अभी आप फिगर के द्वारा सब चीज समझ जाएंगे कैसे होता क्या नहीं होता, ठीक। एंड ऑल्सो कंबाइंड विथ मेल गैमेट, और उसके बाद फिर वो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है वो जाके मेल गैमेट से फ्यूजन करता है एंड मेक एंडोस्पर्म, और क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको हम ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, उसके साथ साथ एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम क्या है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, यानी इसको एक नाम से और जानते हैं जिसका जो नाम क्या है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता है। सिनगैमी को जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ओके। इतनी बात समझ में आई, फिर से सुनिए। सिनगैमी में क्या होता है कि जो मेल एग सेल होता है वो जाके जब मेल गैमेट से फ्यूजन करती है उस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं, और जब दो पोलर न्यूक्लियस पहले आपस में फ्यूजन करने के बाद में एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है और वो सेकेंडरी न्यूक्लियस जाकर के मेल गैमेट से जब फर्टिलाइजेशन करता है, इस पूरे प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब यहाँ पे क्या था, देखिए अब आपको अच्छे समझ में आएगा। दो थे हमारे पोलर न्यूक्लियाई, एक पोलर न्यूक्लियाई ये है, एक पोलर न्यूक्लियाई ये है, और ये बनेगा क्या जाके, ये क्या बनेगा जाके, ये जाके बनेंगे हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्या बनेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस जाके बनेंगे, ये आपस में फ्यूज करेंगे मिलेंगे और जाके क्या बनेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक। फिर उसके बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस बनने के बाद में ये पॉलिन न्यूक्लियाई हमारी, यह सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसके बाद फिर ये जो पॉलिन न्यूक्लियस होगा ये जाके कहाँ किससे मिलेगा, मेल गैमेट से, यमजी से, यानी मेल गैमेट से मिलेगा, और इन दोनों के मिलने के बाद हमारा जो फलस्वरूप आएगा वो आएगा क्या, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बनेगी। यानी यहाँ पे देखिए एक यन ये हुआ, एक यन ये हुआ, हैप्लॉइड दोनों थे, इन दोनों के मिलने के बाद बना ये 2 यन, डिप्लॉइड अवस्था आई, फिर डिप्लॉइड अवस्था में फिर एक यन आपस में फिर जुड़ गए, तो यानी जो एंडोस्पर्म बनी वो कितनी बनी, 3 यन बनी। बात समझ में आई कैसे 3 यन होता है, हाँ। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाई, डबल फर्टिलाइजेशन। एक चीज याद रखना, डबल फर्टिलाइजेशन में दोनों प्रोसेस होंगे, इन दोनों प्रोसेस के होने के बाद ही हम आगे सीड का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन, ये सब तभी संभव है जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो केवल एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल रहे थे, लेकिन बिना डबल फर्टिलाइजेशन के पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने वाली नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे फिगर के द्वारा समझाते हैं।
चलिए अगर हम बात करें कि डबल फर्टिलाइजेशन, भाई हम फिगर के द्वारा कैसे समझाएं कि डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कैसे होता है, ठीक। तो एक सेल कहाँ होती है, कहाँ पॉलन न्यूक्लियाई होते हैं, कैसे होता है, कुछ समझ में कुछ कम आ रहा था। तो एक चीज़ बताए थे आपको कि जब हम पढ़ा रहे थे पोस्ट फर्टिलाइज प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, उस समय हमने जब आपको ओव्यूल का फिगर बनाया हुआ था तो उसमें बताए थे कि एक स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर का नाम होता है एम्ब्रियो सैक। अगर आपको याद हो ओव्यूल का स्ट्रक्चर, तो ओव्यूल के अंदर क्या होती है, एम्ब्रियो सैक होती है। उस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटीपोडल होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, एक होता है और उसके साथ पॉलन न्यूक्लियाई होती है, ठीक। उस फिगर को बनाते हैं और फिर वहीं से समझते हैं उसके जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी हमारा ओव्यूल हो गया, उसके साथ जो हीलियम फाइकस था, उसके साथ जो भी इनर कोर आउटर कोर ये सब जो कुछ भी थे वो सब नहीं है, केवल हम एम्ब्रियो सैक का फिगर बना रहे हैं, उससे आपको समझाते हैं कैसे होती है पूरी प्रोसेस। एम्ब्रियो सैक में ऊपर की तरफ हमने क्या बनाया था, एंटीपोडल सेल थे हमारे तीन एंटीपोडल सेल थे वहां ऊपर की तरफ ना। उसके बाद बीचों बीच में इसमें क्या थी, दो ठो पोलर न्यूक्लियाई थी, बीचों बीच दो पोलर न्यूक्लियाई थी। नीचे की तरफ हमारे क्या थे, दो सिनर्जिड्स थे, क्या थे, दो सिनर्जिड्स थे। और इन दोनों सिनर्जिड्स के ऊपर, इन दोनों सिनर्जिड्स के ऊपर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर था जिसका नाम क्या था, एग सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं, ठीक। यहाँ पे इनसे कोई मतलब नहीं, इनको नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा। ये क्या है हमारा, ये है एंटीपोडल, ये क्या है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है हमारा, एग सेल। और ये दोनों क्या है, सिनर्जिड। बात समझ में आई, यानी एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल और सिनर्जिड्स। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था, सिनगैमी की प्रोसेस में, कि सिनगैमी में क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और वो जाके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जाके एग सेल से फ्यूजन करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ सिनगैमी प्रोसेस, उस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। लेकिन जब वही मेल गैमेट जाके पोलर न्यूक्लियस से मिल जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो पहले हम देखते हैं सिनगैमी में क्या होता है। भाई इसके ऊपर पूरी आउटर मोस्ट कवरिंग ओव्यूल होगा, ओव्यूल होगा, ओव्यूल को बाहर से ओवरी होगी, ठीक। उसके ऊपर स्टाइल होगा, स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा के पास से पॉलन ग्रेन्स ऐसे आएंगे, फिर उसके बाद वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हुए पहुंचेंगे कहाँ पे, जाके एग सेल के पास, कहाँ पहुंचेंगे, जाके एग सेल के पास जाके। उस एग सेल में जो मेल गैमेटोफाइट था वो यहाँ से होता हुआ ऐसे इधर। एक चीज याद रखना, डबल फर्टिलाइजेशन दो मेल गैमेट आपस में एक साथ निकलेंगे, दो मेल गैमेट आपस में एक साथ निकलेंगे पॉलन ट्यूब से, ठीक। पहला मेल गैमेट कहाँ पे जाके पहुंचेगा, पहला मेल गैमेट, तो एक मेल गैमेट यहाँ पे रुक गया, एक मेल गैमेट जाके किससे फ्यूज कर लिया, जाके फ्यूज कर लिया इससे, एग सेल से हमारा, ये हमारा एग सेल था और ये जाके क्या किया, जो मेल गैमेट था वो भी जाके इससे फ्यूजन कर लिया और क्या बनाया, इसके फलस्वरूप बना क्या, ZYGOT, इसके फलस्वरूप बना हमारा जाइगोट। लेकिन उसके बाद जो एक और मेल गैमेट था, भाई डबल फर्टिलाइजेशन होना है, डबल फर्टिलाइजेशन में दो मेल गैमेट निकलेंगे ये तो पक्की बात है, तो एक मेल गैमेट जो निकलेगा वो जाके किससे, ये वाला जो मेल गैमेट है जाके इससे फर्टिलाइजेशन करेगा पोलर न्यूक्लियाई से। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि जब पोलर न्यूक्लियाई से वो फ्यूजन करेगा, उससे पहले थोड़ा इसी स्ट्रक्चर में आप समझिए इसको ध्यान से, जब यहाँ से आया पॉलन ग्रेन इधर से तो इसके पास सीधा जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं दो पोलर न्यूक्लियाई थे और ये जाके एक पोलर न्यूक्लियाई बना, यानी सबसे पहले इन्हीं दोनों में फ्यूजन हुआ था,
भाई हमने आपको डिफिनेशन में भी बताया कि सबसे पहले जो पोलर न्यूक्लियाई टू दो टू होते हैं वो दोनों आपस में फ्यूजन कर लेते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं। इनके मिलने के बाद ये क्या बनती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनती है, और इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से जब जाके दूसरा वाला पॉलीलेगन क्या करेगा, फिर फ्यूजन करेगा। दूसरा वाला पॉलीलेगन था जो कि यहाँ पे ये नीचे था, इस स्टेज में था, वो जाके इससे फ्यूजन करता है। इस पूरे प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। समझ में आई ट्रिपल फ्यूजन सिनगैमी? लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये दो बार अलग अलग प्रोसेस में नहीं होता है। एक ही पॉलन ट्यूब से दो मेल गैमिट्स आते हैं और वो आकर के एक हमारा एक सेल से फ्यूज कर लेता है और दूसरा वाला जाके हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर लेता है। जब ये स्टेज बनती है, जब ये समय आता है, तो उस समय तुरंत ये दोनों आपस में फ्यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेल से एक जाके फ्यूजन कर लेगा, एक जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन कर लेगा। इतनी बात समझ में आई? अगर बनाना चाहे फिगर समझने के लिए तो बना सकते हैं, बना लीजिए, इसको बनाना हो। रही बात, अगर हम बात करें अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, जो हमारा प्रोसेस एक चल रहा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसमें फोर टाइप्स होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फोर टाइप्स होते हैं, पहला होता है एंडोस्पर्म, दूसरा होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तीसरा होता है सीड फॉर्मेशन, चौथा होता है फ्रूट फॉर्मेशन। लेकिन सिलेबस के आधार पर आपके जो सिलेबस, आपका जो सिलेबस होगा ट्वेल्थ का, उसके आधार पर अगर जैसे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा सिलेबस में तो पढ़ाया जाएगा, अन्यथा नहीं पढ़ाया जाएगा। ओके, तो रही बात पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, तो इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, एंडोस्पर्म आता है। इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, एंडोस्पर्म आता है। अब हम बात किसके बारे में करेंगे, एंडोस्पर्म के बारे में। इससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, किसका, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर, उसके साथ मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोस है। ठीक, ये चीज हो गई है। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसमें एंडोस्पर्म पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, उसके बाद सीड फॉर्मेशन और सबसे लास्ट में फ्रूट फॉर्मेशन। देखिए, अभी तक डबल फर्टिलाइजेशन दो प्रोसेस हो रही थी ना, एक तो एक में एंडोस्पर्म बन रहा था हमारा, एक में क्या बन रहा था, जाइगोट बन रहा था। सबसे पहले में क्या था, एक था, एक में क्या था हमारा, एक था, और दूसरे में क्या था, पोलर न्यूक्लियाई थी। ठीक, और एक में क्या था, मेल गैमिट वन, मेल गैमिट फर्स्ट था, और दूसरा क्या था हमारा, मेल गैमिट सेकंड। ठीक, इसमें क्या था, जब एक सेल और मेल गैमिट आपस में ये दोनों मिल रहे थे तब बन रहा था जाइगोट। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रही थी, ये प्रोसेस कौन सी थी, फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे सिनगेमी से मतलब है, ट्रू फर्टिलाइजेशन है भाई, सत्य फर्टिलाइजेशन यही हो रहा है। दूसरी चीज, पोलर न्यूक्लिया जब आपस में मेल गैमिट सेकंड से मिल रहे थे, तो उस समय का जो फॉर्मेशन होता था क्या हो रहा था, उस समय जो फॉर्मेशन हो रहा था वो हो रहा था प्राइमरी एंडोस्पर्म का। उस समय जो फॉर्मेशन होता है किसका हो रहा था, प्राइमरी एंडोस्पर्म का। लेकिन वही प्राइमरी एंडोस्पर्म आगे चल के क्या बन रही है, एंडोस्पर्म बन रही है। वही प्राइमरी एंडोस्पर्म आगे चल के क्या बन रही है, एंडोस्पर्म बन रही है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। बात इतनी समझ में आ गई होगी इस ग्राफ के द्वारा, यानी एक सेल और मेल गैमिट फर्स्ट मिले, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, जाइगोट बना, पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमिट सेकंड मिले, पहला है ट्रिपल फ्यूजन और बना एंडोस्पर्म। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम देखते हैं एंडोस्पर्म क्या होता है। ओके, बात यहाँ पे अगर हम करें कि जो एंडोस्पर्म होता है क्या होता है, तो इट इज अ न्यूक्लिएटिव टिश्यू, यानी जो एंडोस्पर्म होता है वो एक न्यूक्लिएटिव टिश्यू होता है, विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। जो कि कब बनता है, उसका फॉर्मेशन होता है जब वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी ये क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराती, यानी पूरा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर रही होती है उसको ये क्या करती है,
नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, यानी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती। इतनी बात समझ में आ गई? तो आज के लिए बस केवल यही इतना ही, यानी पहला टॉपिक था फर्टिलाइजेशन, दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन, तीसरा एंडोस्पर्म। इन तीनों टॉपिक में अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, टाइप कर सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, हम उसको और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ जो भी पिछले वीडियोस हैं उनको भी आप देखते चलिए, उनको भी रिवाइज करते चलिए, और जो भी क्वेश्चन आंसर आपके बुक में हैं, यानी NCERT के बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते चलिए। अगर कोई दिक्कत आती है हमारे व्हाट्सएप पर या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही, ये क्वेश्चन NCERT का नहीं सॉल्व हो रहा है, हम उसको भी प्रोवाइड करा देंगे आपको। ओके, थैंक यू क्लास, और अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है।